Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing good and great. So let's start today's video. And in today's video, I am going to review this product. This is a battery operated eyebrow trimmer, shaver for ladies. So let's start the review. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की. इसका प्राइस है 499 रुपीज़. मैंने इसे बाय किया है अमेजन पे, पर आप लोग एक बारी आज का प्राइस चेक कर लेना, क्या पता कम हो या क्या पता ज्यादा हो. और ये जो प्रोडक्ट है ये मीशो पे भी अवेलेबल है, आप वहां पे भी इसका प्राइस चेक कर सकते हो. और चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट द पैकेजिंग. तो कुछ इस तरीके के डब्बे में ये प्रोडक्ट आता है. यहाँ पे ना डब्बे पे इसके सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या एक्सेसरी हैं और ये किस किस पर्पस के लिए यूज होता है. और इसके बाद इसे ओपन करना है एंड यू नीड टू पुल आउट दिस ट्रे. सो दिस इज द ट्रे. इसमें ये प्रोडक्ट है, देन दे हैव अ यूएसबी केबल एंड द अदर एक्सेसरी. और अब बात कर लेते हैं ट्रिमर की बॉडी की. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ट्रिमर की जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वेरी ग्लिटरी. एंड जिसका कैप है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैप है. ऐसा नहीं है कि आप इसे रखोगे अपने पर्स में या कहीं ड्रेसिंग टेबल पे तो ये खुल जाएगा. वेरी स्ट्रांग एंड स्टडी कैप है इसका. और अब बात कर लेते हैं कि ट्रिमर के साथ हमें क्या क्या एक्सेसरी मिलती है. हमें इसके साथ मिलता है एक यूएसबी केबल, एक नोजल और एक ये ब्रश. और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस ट्रिमर को यूज कैसे करना है. वेरी इजी टू यूज, बस इसका कैप खोलना है और ये एक पॉइंट जो दिख रहा है इसे अप करना है. एंड सी, ये जो साउंड आ रही है इट मीन्स ट्रिमर हैज स्टार्टेड. और दो तीन बातें इस ट्रिमर के बारे में आप लोगों को बता देती हूं कि ये जो ट्रिमर है इसे हमें चार्ज करना पड़ता है. इसके साथ हमें इसीलिए यूएसबी केबल मिलती है. चार्ज हमें यहां पे करना है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है. और जब हम इसे चार्ज पे लगाएंगे तब एक लाइट आएगी, वो यहां पे आएगी, वो रेड कलर की लाइट होगी. इट मीन्स प्रोडक्ट चार्ज हो रहा है. और जब प्रोडक्ट अच्छे से चार्ज हो जाएगा, मीन्स फुली चार्ज हो जाएगा, तो वो लाइट जो है वो रेड हो जाएगी. एंड इसके ना यहां पे भी लाइट है. जब इस प्रोडक्ट को हम ऑन करेंगे तो ये वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी. दो इस लाइट का कोई यूज नहीं है, बट स्टिल इट्स गुड टू सी कि इतना अच्छे जो है प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है. और अब इस प्रोडक्ट को मैं यूज करूंगी अपने अपर लिप पे. और इस फिंगर में मेरी दो तीन बेबी हेयर हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए अभी इस ट्रिमर को मैं अपने अपर लिप पे और यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ. कुछ नहीं करना, वेरी इजी टू यूज. इसे ओपन करना है, इस तरीके से ऑन करना है एंड यू कैन हियर द साउंड. और यहाँ पे मेरे से मेरे बेबी हेयर है ना, तो बस मुझे ऐसे ऐसे करके घुमाना है क्लॉकवाइज एंड सी इट्स गॉन. मतलब कैमरे में भी मैं कर रही हूँ तो इतने अच्छे से नहीं हो रहा, बाकी अगर मैं ऐसे करके करूँगी ना इस पोजीशन में तो और अच्छे से हो जाएगा. जस्ट अ मोमेंट सी. It's gone. And now I'm going to use it on my upper lip as well. So, जो results हैं वो quite evident हैं. कर लेते हैं कि क्या आप लोगों को इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. इन माय ओपिनियन दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड, वर्क्स रियली वेल. तो डेफिनेटली आप लोग इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो. इसका जो प्राइस मैंने पे किया दैट इज 499 रुपीज, वो वर्थ है पे करना. ये मैं इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि इस ट्रिमर की हेल्प से जो हमारा हेयर रिमूवल होता है वो बहुत ईजी हो जाता है और पेनलेस हो जाता है. यूजली मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे वैक्सिंग की जरूरत पड़ती थी हर दो महीने बाद,
पर जो मेरा अपर लिप था वो हर 15-20 दिन में आ जाता था, तो मुझे सिर्फ अपर लिप कराने के लिए पार्लर जाना पड़ता था और थ्रेडिंग में जो पेन होता था वो अलग। तो उन चीजों से बचने के लिए मैं इस ट्रिमर का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं पार्लर जाने की जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, क्योंकि अपर लिप अब मैं घर पर ही कर लेती हूँ और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी जो आप लोगों के माइंड में डेफिनेटली आ रहे होंगे। नंबर वन क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इस ट्रिमर के इस्तेमाल से हेयर ग्रोथ थिक हो जाएगी? तो मेरी नहीं हुई, मेरी हेयर जो ग्रोथ है, जो उनका हेयर का टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम आता है। जब मैं थ्रेडिंग कराती थी तब जो टेक्सचर आता था, ट्रिमर करने के बाद भी वही टेक्सचर मेरा आ रहा है, कुछ फर्क नहीं आया। और अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी, ये जो इफेक्ट आया ये मेरी स्किन के लिप पर है, मे बी स्किन टू स्किन चीजें वेरी हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि मेरे जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया और एकदम मूछो टाइप के बाल आने लग गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, क्या इसके इस्तेमाल से हेयर ग्रोथ जल्दी हो जाती है? अगेन मैं बोलूंगी, मेरी तो नहीं हुई, मुझे अपर लिप कराने के लिए नॉर्मली 15-20 डेज में जाना पड़ता था, तो वही है, अभी भी 15-20 डेज में ही मैं ट्रिमर का इस्तेमाल करती हूँ। मेरा जो हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है एज थ्रेडिंग, जब मैंने ये ट्रिमर भी यूज करा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि ये जो ओपिनियन मैंने एक्सप्रेस करा, ये मैंने एक्सप्रेस करा एज पर माय स्किन, मेरी स्किन पे इसने कैसा असर दिखाया मैंने वो एक्सप्रेस किया। मे बी क्या हो सकता है, रिजल्ट वेरी हो सकते हैं स्किन टू स्किन, बट मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा कि ये वर्थ फॉर मनी प्रोडक्ट है, वेरी इजिली पेनफुली ये हेयर को रिमूव कर देता है। यहाँ पे मैं एक बात और बोलूंगी, मैंने इसे इस्तेमाल किया है सिर्फ अपनी अपर लिप पे और यहाँ पे जो छोटे छोटे बेबी हेयर आ जाते हैं सिर्फ उन्हें हटाने के लिए, मैंने कभी भी इसे अपने हाथों पर इस्तेमाल नहीं करा और इसे अपने पैरों पे मैंने इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट उतना मजबूत नहीं लगा कि हम इसे अपने हाथों पर या पैरों के हेयर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरऑल एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली वर्थ योर मनी है, आप लोग चाहो तो इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका जो कैप है वो भी अच्छा है, अगर आप अपने इसे पर्स में डालोगे तो ऐसा नहीं है पर्स में डालने के बाद कैप खुल जाएगा और ये प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, वेरी स्टडी एंड गुड कैप, वेरी लाइट वेटेड ये प्रोडक्ट है, इजी टू कैरी है, लाइक हम अगर वेकेशन पे जाते हैं तो इस प्रोडक्ट को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे थम्स अप दे देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।